सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे यार। सो यार, थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक जरूर देख लेना, आपके भी काम आने वाले और मेरे भी, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। गाइस सभी पूछ रहे थे कि सितंबर में कौन सा हीरो का जो स्किन आएगा, कौन से हीरो का स्किन आएगा, तो वो बहुत ही कूल आने वाला है, मैं सबको आपको बता देता हूँ। तो यार, वीडियो की शुरुआत करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, कुछ लोग बहुत ही बड़े वहम में फंसे हैं। कुछ लोग मेरे को बोल रहे, पता है, कमेंट करके कि फिर से क्यों उनकी स्किन आने वाली। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं। गाइस देखो, जब हमारा ये गोल्ड पास यानी सीजन चैलेंज का जब आया था अपडेट, तो सबसे पहले क्या मिला था हमें? ग्लेडिएटर किंग मिला था। फिर सेकेंड टाइम हमें ग्लेडिएटर क्वीन मिली थी। फिर थर्ड टाइम हमें पैक का किंग मिला था। उसके बाद वेलकैरी क्यून मिली थी। फिर इसके बाद पांचवी बार जब आया, तो पांचवी बार हमारा एनिवर्सरी आ गया था, इसलिए हमें पार्टी वार्डन दिया गया था, क्योंकि हम पार्टी होते हैं, किसी की एनिवर्सरी आते तो पार्टी होता है, तो कन्फर्मली पार्टी वार्डन दिया जाता है। ओके, तो अच्छा था, बहुत ही अच्छी थी। मैं तो खरीद नहीं पाया, ओके, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सपोर्ट दिखाओ और मैं होंगे तो क्या। चलो मैं नॉर्मली बात करूँ तो आप लोग ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो गाइस, मेरी कन्फर्म है गाइस कि इस बार जाने के लिए तैयार हो, पक्का की स्किन आने वाली है। पक्का नहीं यार, सॉरी, किंग की स्किन आने वाली है गाइस। तो बहुत ही कूल, शानदार, स्पेक्टिकुलर, एकदम जहर, कतई जहर वाली होने वाली है गाइस। तो चलो वो भी मैं आपको लिखाऊंगा गाइस। तो लीक उसे नहीं बोल सकते, ओके, लीक अभी नहीं आया। तो गाइस मेरे पास लीक ऑफिशियल आएगा तभी मैं अपलोड करूंगा गाइस। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस जो है बहुत ही अच्छे हैं, ओके, यानी फैन मेड होते हैं, फैन यानी फैन के सुनते हैं, ओके, जो क्लैश ऑफ क्लैंस के जो फैन है उसकी बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो गाइस मैं बताऊं आपको, ओके, हमारे बिल्डर बेस में जो जेम माइन है, ओके, जेम माइन जो है वो भी एक फैन मेड था, ओके, तो फैन मेड से लिया गया है क्लैश ऑफ क्लैंस में। क्लॉक टावर जो है बिल्डर बेस में वो भी फैन मेड से यहाँ तक का लिया गया गाइस। यहाँ तक ये नहीं गाइस, यहाँ जो हमारे 7th एनिवर्सरी का गिफ्ट आया वो भी फैन मेड से लिया गया है, जो बोला कि चलो डाल देते हैं, ओके। तो गाइस हमारी जो क्लैश ऑफ क्लैंस की कम्युनिटी है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी फैंस को। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम वो फेसबुक चलाते हो, तो अगर मैं आपने क्लैश ऑफ क्लैंस की इन्फो वो सॉरी उसकी ग्रुप जो ज्वाइन कर रखे, तो उस पर आया होगा गाइस कि आप स्किन बनाओ, ओके, स्किन बना के देना था उसको, रेडिट पे अपलोड करनी थी, फिर उनमें से जो बेस्ट होगा ना तो उनमें से लेंगे। तो गाइस इतना तो पता चल रहा है कि आप किंग का स्किन इस बार देने वाले हैं हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस की कम्युनिटी। चलो गाइस मैं साफ साफ बता देता हूँ गाइस, तो इस बार अभी मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आया गाइस, बताऊँ तो आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि इस बार यही लॉन्च होने वाले, बट मुझे लग रहा है गाइस इसी में से कुछ अच्छा सा एकदम डेवलप करके देंगे। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ स्किन जो मेरे पास है किंग की, ओके। सो गाइस ये स्किन देखिए आप, बहुत ही कूल लग रहा है, शानदार, एकदम जहर लग रहा है। सो गाइस इसी तरह के जो वहाँ पे जो हो रखे हैं, जो बोला था सबको आर्ट बनाने के लिए ड्राइंग, उसी में से कुछ आने वाले हैं गाइस। तो यही आने वाला, और जब ऑफिशियल लॉन्च होगा तो मेरे चैनल पे सबसे पहले आ जाएगा गाइस। तो आज तक इतना ही था, आप लोगों को कन्फर्म कराना था कि किंग की स्किन आने वाली है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे गॉड ऑफ गेमिंग एंड प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस।